दोस्तों नमस्कार, मैं ताबिर हुसैन। आज हम आपसे बात करेंगे क्रिकेटर भरभजन सिंह के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्ची कल रायपुर आए हुए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से उनकी चर्चा मुख्यमंत्री से शुरू हुई है। उसके बाद उन्होंने उनके जो प्रतीक चिन्ह जो मुख्यमंत्री जी ने दिया था उनको उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री ने जिस ट्वीट को किया, इस चर्चा की फोटोज को जो ट्वीट किया है, बच्ची ने उसको रिट्वीट भी किया। आज हम आपको ये बताएंगे कि इन दिनों बच्ची विभिन्न शहरों में जा रहे हैं और जो इंटरव्यूज के दौरान जो बातें निकल के आ रही है वो क्या कह रहे हैं, कि अपने क्रिकेट और अपने खुद की फैमिली को लेकर वो क्या कह रहे हैं। जैसे कि उनसे अभी पूछा गया कि भाई आप इन दिनों IPL में काफी मजे ले रहे हैं, तो उनका कहना है कि भाई हाँ, मैं जब छोटा था तो, चूंकि उनको उनके करियर पर 18 साल हो चुके हैं, उनका कहना है कि मैं छोटा था तो मैं माँ के समय टाइम दे नहीं पाता था, अब मैं अपनी बेटी को टाइम दे रहा हूँ। तो ये एक अच्छी, उन्होंने एक अच्छी चीज कही है अपने बारे में। कुलदीप और रणवीर रविंद्र जडेजा के बारे में उनका कहना है कि दोनों की जोड़ी आने वाले समय में बिल्कुल एक साथ देखने को मिलेगी, और दोनों धोनी के लिए कहते हैं कि बहुत ही अनुभवी और विश्वसनीय खिलाड़ी है, वो टीम इंडिया को काफी आगे लेकर जाएंगे। टीम के वापसी पर वो कहना है कि अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन इंडियन टीम जब भी वापसी होगी मैं अच्छी मेहनत करूंगा और उसमें अच्छा परफॉर्म करूंगा, लेकिन उसके समय का इंतजार है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की कंपेयरिंग पर उनका कहना है कि दोनों की तुलना करना ये अच्छी बात नहीं है। तो जब से कल बच्ची आया तब से उनके फैंस जो दीवाने जो उनकी झलक देखने के बेताब थे, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल पर्सनली TM से उनकी चर्चा होनी थी। जो खेल सचिव हैं कोमल परदेसी जी, उनका कहना ये है कि भाई दोनों के बीच जो चर्चा हुई है वो यही हुई है कि रूरल इलाकों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये चर्चा हुई। उनका मानना ये है कि प्रतिभाएं जो है गांव में भी प्रतिभाएं छिपी हुई है, उनके प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो आने वाले दिनों में बच्ची और आएंगे और हो सकता है वो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों का दौरा भी करेंगे। तो फिलहाल आगे देखना यही है कि किस तरह वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा पाते हैं। तो आज आपने ये जाना कि इन दिनों में बच्ची किस किस किन किस चीज़ों को लेकर क्या क्या वो कह रहे हैं। और उनका एक चीज़ और वो कहना है कि पाकिस्तान के आगे जो है, भारत के आगे पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं क्रिकेट के मामले में, यदि 10 मैच होते हैं तो 10 में से 10 जो है इंडिया ही जीतेगा। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने कही है। तो आप आज आपने जाना बच्ची के बारे में, बच्ची हरभजन सिंह के बारे में। तो फिर हम नए सब्जेक्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।